या भाई क्या हुआ था तेरा बे? देखे भूत देख लिया। देखी मैं फिर भी कभी मांकरा पर आ जाऊंगा तो रात को नहीं आऊंगा भाई। हेलो व्हाट इज अप गाइस, माय नेम इज शान। आप लोग देख रहे हो द बीटीआर 0900 चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते कुछ यहाँ से। और सबसे पहले हम तो गाइस अभी हम लोग है कुछ ऐसी टाइप की जगह पर। तो सामने आप लोग देख ही सकते हो, सामने एक बहुत सुंदर सा पहाड़ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और गाइस मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल का सीन हो रहा है। तो आज पहाड़ लगता है प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। कारण जब मतलब कोई कोई टाइम में होते हैं ना, पहाड़ एकदम प्रॉपर देखने को मिलता है। और गाइस ये देखो लड़की गैंग। गाइस पापा की परी हो जब स्कूटी चलाता है ना तो अंदर से डर लगता है गाइस भाई, कहीं से अकड़ लगा ना दे, मतलब प्रॉब्लम होता है। जो सुंदर सा रोड है ना, क्या ही बताऊँ, मतलब इतना सुंदर रोड भाई कहीं नहीं मिलेगा भाई। इतना सुंदर रोड है, मतलब आप हाथ छोड़ के भी चला सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है और खुला रोड होता है। मैं चाहूँ तो इस रोड में 100-100 आराम से बजा सकता हूँ, लेकिन बजाऊँगा नहीं। ये देखो लड़की बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लड़की से बाइक स्टार्ट हो नहीं रहा है। मतलब ये सब देखने में जो मज़ा आता है ना, कहीं पर नहीं आते ब्रो। इस कल वाला जो वीडियो है ना भाई, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, वहाँ पर जितने भी बच्चे थे, मैं दिल से उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ गाइस। इतना अच्छा प्यार देने के लिए, इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए, दिल से शुक्रिया। अभी मैं सोच रहा हूँ क्या जल्दी से आप लोग अगर 1K करा दोगे तो मैं GoPro लेने का सोच रहा हूँ। तो जल्दी से मैं GoPro भी फिर ले लूँगा आप लोगों के लिए। तो गाइस जल्दी से 1K करा दो, और ज़्यादा नहीं 400 जैसे लगता है, 400 भी नहीं चाहिए, 385 जैसा चाहिए। तो गाइस जल्दी से करा दो, जल्दी से आप लोग जितना जल्दी करा दोगे मैं उतना जल्दी GoPro ले लूँगा आप लोगों के लिए। तो और भी अच्छा व्यू आएगा आप लोगों को देखने के लिए। मैं अभी धीरे ग्रो करूँगा, तो आप लोग साथ रहना सब लोग एकदम। और गाइस ये जंगल देखो ना गाइस, कितना सुंदर जंगल है, एकदम मस्त सा जंगल। तो गाइस अभी थोड़ा सा पुल अप करते बाइक को। तो भाई लोग क्या पावर है बाइक में यार, एकदम मस्त। मतलब इतना दिन बाद चला रहा हूँ ना, पावर को फील कर पा रहा हूँ मैं। भाई लोग यहाँ पर चेक करो व्यू गाइस, पहाड़ देखना स्टार्ट हो चुका है ब्रो। तो गाइस सामने देख सकते हो पहाड़ भाई, कितना सुंदर पहाड़ है। उसका जो सीमेंट फैक्ट्री है ना, डोलोमाइट जिससे जो सीमेंट बनता है वो वहां पर बनता है, आप लोग देख ही सकते हो। माकरापारा मंदिर आप लोग देख ही सकते हो, क्या सुंदर सा व्यू है माकरापारा मंदिर का। और गाइस यहाँ पर भी अभी पैसा का खेल होने वाला है, आप लोग देखते जाओ, पार्किंग में लगाना पड़ेगा बाइक। तो गाइस मैं भगवान से, हम लोगों ने प्रार्थना किया थे, मतलब हम लोग भगवान से प्रे किए थे अगर मेरा हाथ जल्दी ठीक हो जाए तो मैं माकरापारा आऊँगा।
तो आज उसी कारण में मैं माकड़ा पर आ चुका हूँ। आप लोग देख ही सकते हो, ये है ऊपर मंदिर। और गाइस गाड़ी तो पार्किंग में लगाना ही पड़ेगा। हम लोग आए थे बुआ के घर में सुबह मकरा पारा, लेकिन मेरा मोबाइल का चार्ज भी ख़त्म हो गया था, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अरे यहाँ पर भी तो ये स्माइल लोग यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर रुकते हैं। तो स्माइल लोगों को मैंने कॉल कर दिया था, तो स्माइल भाई लोग भी आ चुका है इधर। तो यहाँ पर तो भाई यहाँ पर स्माइल भाई लोग भी आ चुका था। मतलब मैं ना बुआ के घर से निकल पड़े थे, तो निकल के ब्लॉग स्टार्ट किया। और गाइस इन लोगों को भी कॉल कर दिया था, ये लोग मोमो की दुकान में मोमो खा रहा था, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी आ जाने के लिए। मतलब इतना लेट करते हो कोई भाई, मैं कहाँ से कहाँ चला आया। और ये क्या, चलो चलो। तो गाइस अभी सीधा चलते हैं चाय पीने, और इधर से निकलते हैं फुल पावर पे निकलते हैं गाइस। तो भाई भाई यहाँ पर मतलब क्या वेदर है, और भाई साथ में जब इतना बंदा राइड करता है ना, तो गाइस मजा ही अलग लेवल का आता है। भाई जो साउंड गूंज रहा है ना, क्या ही बोलू भाई, क्या ही बोलू। वो भाई क्रैश हो गया भाग। क्या देख लिया भाई, भाई मतलब भाई रोड क्रॉस कर रहा था भूत भाई, मतलब दिख के लिटरली फट चुका था मेरा भाई, निकल के हाथ में आत्मा आ गया मेरा, क्या ही बताऊं गाइस। मतलब इतना भयानक सीन हुआ ना वहां पर भाई, वो रोड क्रॉस कर रहा था वो आत्मा भाई, दिमाग का सटिया हो गया मेरा। बाप रे बाप, मैं जिंदगी में फिर भी कभी माकड़ा पर आ जाऊंगा तो रात को नहीं आऊंगा भाई, भाई जान निकल गया मेरा। हट, वो बहन की देख लिया था रोड पे। ओफ, तो भाई मतलब जब देखा ना तो फट गया था मेरा लिटरली पूरा भाई, एकदम ऐसा सीन हुआ ना भाई। सोचे थे चाय पीने रुकेंगे, अभी नहीं रुकेंगे चाय पीने, सीधा घर चलो भाई। भाई मेरा हाथ पैर कांप रहा है, देखो भाई मतलब क्या बोलूं, लिटरली हाथ पैर कांप रहा है मेरा, मतलब क्या ही बोले। जैसे क्रॉस हुआ ना मेरा पूरा दिल की धड़कन बढ़ा गया, और मैं देखा और शाहरुख भाई भी पीछे से एकदम खाई की ओर जा रहा था, तो मैं भाई पूरा डर गया। अभी सीधा घर पे पहुंच चुके हैं, और गाइस मेरा लिटरली ना फट चुका है, मतलब क्या ही बताऊं, लिटरली एकदम पूरा फट चुका है। अरे भाई 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 मैं लिटरली डर गया, और ये बंदा भाई पीछे से देखा पूरा घुस ही गया। भाई क्या हुआ था तेरा बे भाई, वो क्या देखा भाई, भाई मैं तो पूरा लिटरली मेरा हाथ पैर कांप रहा था भाई, क्या ही बोलूं भाई इतना। हाँ वो भाई एकदम सामने से क्रॉस हुआ भाई, मतलब क्या ही बोलूं। और ये तो बंदा भाई, मैं तो सोचा ये गया नाला में, वही सोच रहा था मैं, वही सोच रहा हूँ। और भाई वो कैसे आया देखा रोड पे, मतलब क्या ही बोलूं भाई, इतना डरावना सीन है ना।
गाइस जो सीन हम लोगों के साथ आज हुआ ना गाइस, मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। मतलब जब वो रोड पे आया ना, हाफ रोड क्रॉस कर रहा था, मैं देख के भाई बहुत ज्यादा डर चुका था। और शायक भाई ना डिसबैलेंस होके वो खाई पे गिरने वाला था, तो भाई बंदे ने कैसे करके भी कंट्रोल कर लिया। भाई मैं ना अंदर से पूरा डर चुका था, मैं रो रहा था लिटरली उधर पर। और भाई मुझे ना भूत ऊत से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो गाइस मैं एकदम देख के ना शॉक हो गया, भाई भूत ऊत भाई होता है या नहीं। मतलब मैंने रियल में कभी भूत नहीं देखा, जब फर्स्ट टाइम देखा ना रियल में, मैं पूरा डर चुका था। और गाइस वो रास्ते पर ना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट या बहुत ज़्यादा मर्डर होता है, तो वहाँ पर भूत ऊत घूमना आम है। तो भाई मैं ना रात को कभी अगर मांगना पड़ा, मैं सुबह जाऊँगा भी ना तो रात में भाई कभी नहीं आऊँगा। और गाइस इतना डर लग रहा है ना भाई, अभी जस्ट नहा के आया, भाई मैं कैसे सोऊंगा आज की रात पता नहीं है भाई, इतना ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। और गाइस मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ मस्त खाते पीते रहना, घर पे रहना, बाय।